इस मुल्कों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चे और बालिगान का ताल्लुक बदला है। कि बालिगान ने बच्चों के लिए क्या करना है और बच्चों की जिम्मेदारी क्या है। अगरचा कुरान की और बहुत सारी आयात इस पर दलालत करती है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसी के अंदर जाऊं। वलकद आतैना लुक्मान अल-हिक्मा, यकीनन ये पक्की बात है, ये लाम और कद दो तहकीक के कलमे जमा हो गए हैं, इसको अरबी ग्रामर के लिहाज से कस्मिया कलाम कहते हैं। यानी इतनी ताकीद है, इसको ताकीद के लिहाज से ये इतना पुख्ते जुमले हैं कि हमने लुक्मान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की, दानाई अता की। वो बड़े दानिशवर आदमी थे, बड़े थिंकर आदमी थे, जहन रसा इंसान थे। उनको कहा कि आपको हिकमत दी है तो अनिशकुर लिल्ला, आप अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने जितनी बड़ी नेमतें दी है हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि नेमतों के मुतालिक अल्लाह हमसे पूछेगा। सोमवार रोज अलमदा जाऊंगा ये दिन आलिमदा है, जितने नेमतें रखने दी है अल्लाह इसके मुतालिक पूछेगा। और हमें सारी नेमतें अच्छी लगती है, चाहे वो जाहिरी नेमतें हों या बातिनी नेमतें हों। नजर आने वाली नेमतें हैं या वो नेमतें हैं जो नजर नहीं आती, अगर हम इनकी बका चाहते हैं तो शक्कर तुम लाजीन अल्लाह तुम बरे कफर तुम इल्ला अजाबी ला शदीद। अगर अल्लाह का शुक्र अदा किया नेमतों पर तो अल्लाह इन नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा, और अगर इन नेमतों की ना शुक्री की इनकी कदर ना की तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि तुमसे छीन लो, इल्ला अजाबी ला शदीद, फिर मेरा आजाब बड़ा सख्त होता है। वो कभी इन नियामतों को ही हमारे लिए फिर आजमाइश बना देता है। इन्नमा अमवालुकुम वअौलादुकुम फितना, फिर यही बच्चे यही बीवी यही माल हमारे लिए ऐसी आजमाइश बन जाते हैं कि ना ऐसी हड्डी ना उगलने की ना निगलने की। और यही औलाद है, मतलब दुआ करता है अल्लाह मुझे औलाद अता कर। कैसी औलाद? रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अय्युन वज़अलना लिल्मुत्तकीन इमाम, अल्लाह मुझे औलाद अता कर। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, अल्लाह मुझे बीवी अता कर। खातून दुआ करती है अल्लाह मुझे शौहर अता कर। अभी शादी नहीं हुई, पहले से दुआ हो रही है, और ये दुआ करना जरूरी है। अल्लाह ने मुमिनों का शेवा बदलाया है, मुमिनों का तरीका बदलाया है। दुआ करते रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, अल्लाह हमें नेक साथी अता कर। वज़ुर्रियातिना, अल्लाह औलाद भी अता कर। ज़ुर्रिया फकत अपनी औलाद को नहीं कहते, आगे चलने वाली नस्ल को कहते हैं। अल्लाह ऐसी औलाद कर जिसकी आगे भी औलाद हो, ऐसी औलाद कर। अल्लाह मेरे नस्ल बाकी रहे, कुर्रत अय्युन, अल्लाह मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे पोते मेरे पोतियां मेरे नवासे मेरे नवासियां, और जितनी नस्ल मैं देखूं सबको देख कर मेरी आंखें ठंडी हो जाए दुनिया में भी आखिर में भी। वजअलना लिल्मुत्तकीन इमामा, अगले हम सबको मेरे पूरे घराने को जितने भी तकवा इख्तियार करने वाले लोग हैं उनका रहबर बना दे, उनका रहनुमा बना दे, उनका लीडर बना दे। और रब से ऐसी बड़ी चीजें ही मांगी जाती हैं। कभी लोग कहते हैं हम कहा अल्लाह के वली और बुजुर्ग कहा, हम अल्लाह के वली अल्लाह के बुजुर्ग इंसान ही होते हैं, और रब के मुताल्लिक उनकी सोच बड़ी आला होती है।
सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए खुद कह रहे हैं वहल अलअब्दुल्ली वस्ता अलरस शैबा, अल्लाह हड्डियों में बूटा खत्म हो गया, सर बुढ़ापे की वजह से कांपता है, बिल्कुल सफेद हो चुका है, बीवी भी वर्दराती आखिर मेरी बीवी बीमार है, आखिर यानी बिल्कुल लंबी है उम्र की वजह से भी, खवातीन की उम्र की एक हद होती है बच्चों की पैदाइश के लिए और मर्द की भी एक ताकत की हद है, उसके बाद औलाद पैदा होना बंद हो जाती है, का दोनों असबाबी तौर पर इस काबिल नहीं है कि हमारे यहां औलाद हो, लेकिन वलमा तुम भी दुआ करो कि शकी अल्लाह तेरे दर से हम ना उम्मीद रहेंगे, अल्लाह तेरे दर से ना उम्मीद रहेंगे, या उम्मीद लेकर आए जरा दिया इब्राहिम का भी ऐसे शेखा मैं बुढ़ी रहा हूं, ये मेरे शौहर भी बूढ़े हो चुके हैं, खाली अल्लाह का मामला है, हाँ जब मामले बैठे हैं ना फिर ये अल्लाह का मामला है कि गुनागार में आदर के घर में बुत बनाने के वाले के घर में अल्लाह ने वो इंसान पैदा किया है जो तौहीद के लिए दलील बना, जिसको अल्लाह ने कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला कि अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया है, और कभी कहा मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हनीफा, हाँ अरे अकीदा मिल्लत इख्तियार कर लिया इब्राहिम के साथ, उसी को उसी की इब्तिदा करो उसी के पीछे चलो, ये कौन है ऐसे घर में ऐसे घराने में ऐसे वाले क्यों ना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, मुआहिद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर ईमान रखते हैं, हाँ वो तो खुद परस्त अल्लाह जब वहां पैदा कर दिया है तो हमारे घरों में, और अल्लाह हमें भी सुधार सकता है क्योंकि दिल हमारे दिल अल्लाह के हाथ में, हाँ सबसे पहले ये है कि शुक्र अदा करें, फिर नमाइश को नफ्स उमर का फरा फिर गुलाम अली, हाँ जो नाशुक्री करता है अल्लाह को तुम्हारी शुक्र गुजारी और बातों की परवाह नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हदीस से बात बयान की, हदीस से कुछ ही है कि लोगों अगर तुम सारे के सारे इंसान भी जिन भी सारे के सारे कैसे हो जाओगे, अला अतका कल्ब रजुल ऐसे आदमी के दिल की तरह हो जाओ, ये नहीं कहा ऐसे आदमी की तरह हो जाओ कि जो मुत्तकी है मुत्तकी तरीन सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, बल्कि कहा उसके दिल की तरह हो जाओ, क्योंकि नेक आदमी कुछ नेकियां कर पाता है कुछ नहीं कर पाता, और अल्लाह उनका भी अजर देता है, गरीब आदमी है मुत्तकी है चाहते हैं बड़ी सारी मस्जिद में, हाँ उसके दिल की तरह वो चाहता है जितने गरीब है सबको खिलाओ, उसका दिल तो चाहता है आला आपका अलग, लेकिन ये इसका मुत्तकी होना सारे सारे ऐसे हो जाओ अल्लाह की बादशाह में थोड़ा सा इजाफ हो जाए, और अगर सारे के सारे कैसे हो जाओ आला आपके कल ग्रह जमाने का बदतरीन आदमी ढूंढो गुनाहगार तरीन आदमी ढूंढो, फिर उसके दिल में जो गुनाह की ख्वाहिशें हैं फिर उनको खोलो देखो, हाँ जितनी गुनाह कि उसकी सोच है वहां जाकर सार सब का मुकाम हो जाए ना उतना गुनाहगार हो जाए तब भी अल्लाह की बादशाह कमी नहीं कर सकते, वो देख देख लो इजाफा नहीं कर सकते, ये कमी नहीं कर सकते, हाँ कभी गुना वो बेप्रवाह उसकी इबादत के लिए ये चरित परित कहना कि हर चीज तस्वीर याद करती है, सब यह लोग आसमान और जमीन में दिख रहे हैं उसकी तस्वीर याद कर रहे हैं, उनकी तस्वीर को तुम समझते रहेंगे, हर सारे इबादत पर लगे हुए फरिश्ते इबादत पर लगे हुए ऐसी इबादत पर लगे हुए ला यासून अल्लाह मा अमर वह फाल फरमाई को जरा सी नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह इस बात को बयान करने के बाद कहा
उस वक्त को याद करो, अल्लाह कह रहा है सब्र कायम करो, जरा तखय्युल काम करो। एक वालिद है, एक बेटा है, दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, औलाद के साथ कैसी गपशप होनी चाहिए, औलाद के साथ गपशप लगाना जरूरी है। आप कुरान पढ़े, सारे अंबिया ने अपने बच्चों के साथ गपशप लगाई और बच्चों ने भी आकर जो भी मसला था वालिद बुजुर्ग बात में बताया। सैयद यूसुफ ने किसको आकर बताया था, बच्चों को अच्छे बेटे की तरबियत हमने सिखाई। लेकिन जो पहली बात मैंने की है कि बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखो और उनको वक्त दे। हमारी जिंदगी में जितना माल हमारे पास है, हमारी बीवी से और हमारे बच्चों से कीमती कोई चीज नहीं, और जन्नत के बारे में जो जराए हैं उनमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इबादत के बाद इंसानों में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जन्नत का बाइस बन सकते हैं वो हमारे वालिद हैं। क्योंकि वालिद को कहा रौसा जब्बार जन्नत, ये जन्नत का मेन गेट है, इसकी हिफाजत करें। हाँ, ये वालिद हैं और बर्बादा तस्वाल यहाँ कि जितनी दुनिया की कीमती चीज अल्लाह इंसान को अता की है उनमें से सबसे कीमती तरीन चीज बीवी है। एक बीवी मिल जाए, हाँ उसके बाद जो बच्चे हैं ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जब जाने पूछेगा। हाँ, बाप बेटा वो शुरू कर रहे हैं वही कार्य तुम्हारे लिए नहीं हो, वो याद हो याद नहीं याद ना कुछ नहीं होते। तो सबसे पहली बात बच्चे को सिखलानी है ये नहीं बताया कि तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारी माँ है, ये दादा है, ये दादा है, ये दादी है, ये दादी है, रिश्ते नहीं सिखलाए, अपना उसका नाम भी नहीं सिखलाया, अपना खानदान का तारफ नहीं कराया कि खानदान हमारा ऐसा है, खानदान के नाम को मैला नहीं करने वाला, कोई ऐसी बात कही, बल्कि वही बात कही सीधा ईसा अलैहि सलाम को सलाम माँ की गोद में जब बोले तो पहला कलमा क्या था, قال اني عبد الله मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हाँ, इधर की पहली बात ये सिखाई है या बोलेगा ला तुशरिक बिल्लाह, बेटा अल्लाह के साथ शिर्क नहीं कर, अपने औलाद को जो सबसे पहला तआरुफ कराना है वो अल्लाह का तआरुफ है, उसके रसूल का तआरुफ है, फिर अल्लाह के हुकूक है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुकूक है। हाँ, जो अच्छा बुरा की तमीज सिखलानी है वो है, हाँ हम अपने रस्म और रिवाज सिखलाते हैं, हमारे खानदान में ऐसा होता है, हमारे बरादरी में ऐसा होता है, बहू को सबसे पहले ये चीजें सिखलाई जाती है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में ऐसा होता है, बच्चों को यही बात सिखलाई जाती है, हमारी बरादरी फला है, हमारी बरादरी के रिवाज यही है। हाँ, ये रिवाज सिखलाने से पहले, ये रसूम सिखलाने से पहले, ये अपने बाप दादा के तरीके सिखलाने से पहले, हाँ इस्लाम का तरीका सिखला, क्योंकि पैगंबर ने बच्चों को यही कहा था व्यवस्था भी था इब्राहिम बनी हो जाओ, देखो सैयदना इब्राहिम ने, सैयदना याकूब ने, पैगंबरों ने अपने बच्चों को जो वसीयत की है यही है वला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, अल्लाह ने हम सबको यही की है और पैगंबरों ने भी अपने बच्चों को यही की है। और जाते जाते भी पूछा अब कुल शुहदा अल-हज़रत याकूब अल-मौत, उस वक्त तुम मौजूद थे कि जब याकूब अलैहिस्सलाम पर वक्त आखिर आया, उस वक्त तुम मौजूद थे, अगर नहीं थे तो सुनो, उन्होंने भी अपने बच्चों से कहा था कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो बेटों ने कहा था अल्लाह का व इलाहा आबाई का इब्राहिम व इसहाक, आप तो बाप दादा के, आप तो बड़े हो, उनके रब की इबादत करेंगे, कौन है वो रब, कौन है इलाहा वाहिदा, एक ही इलाह है, उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं करेंगे,
हाँ हर कदम पर आपने बच्चे को यह तालीम दी, बच्चा भी बोलना सीख रहा है, चलना फिरना सीख रहा है। सबसे पहले तालीम यही दी है कि तेरा एक किराया है, उसके अलावा मैं नहीं। सबसे पहले आपने बच्चों को तौहीद सीख रहा है, आपने शागिर्दों को तौहीद सीख रहा है, जिस खानदान के आप बड़े बने हैं उनको तौहीद सीख रहा है। देखे से नमाज को भेजा सबसे पहली कौन सी दावत तौहीद की, और जिस भी पैगंबर ने आके नबूवत का ऐलान किया सबसे पहले क्या कहा, वैला मन अखाम शुएब قال يا قوم اعبدوا الله بلا عاد اخاف هودا قال يا قوم اعبدوا الله بلا قوم اخاف صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ہر پیغمبر نے آ کر پہلے توحید سکھلائی ہے ہاں جب سکھلانے کی باری آئی کہیں بھی آپ بچوں اپنے اولاد کو سکھا رہے ہیں اپنی ذریت کو سکھلاتے ہیں اپنے شاگردوں کو سکھلاتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو سکھلاتے ہیں یا پھر اللہ رب العزت نے آپ کو قلم کی طاقت دی ہے ہاں جو سب سے پہلی چیز لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے وہ رب کی توحید ہے یا بنی لا تشرک باللہ کیوں الا شرک لظلم عظیم بہت سارے ظلم ہیں جتنے بھی ظلم ہیں کسی کی جائیداد کھا جانا قرضہ ہڑپ کر جانا حکم کو مار دینا کسی کو قتل کر دینا ہاں یہ سارے ظلم ہیں اور ظلم کے بارے میں کہا واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا بے سبب ظالمین ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے لیکن کہا یہ سارے ظالم ہیں لیکن جو شرک کرتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم پیدا نہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی بھی طرح کا چھوٹا شرک کرے یا بڑا کرے چاہے عبادت رب کی کرتا ہے سوچ مخلوق کے بارے میں کرتر تو مشرک کا تجھے بھی چھوڑ دیا جو تُو نے شراکت عطا کی وہ بھی چھوڑ دی جو تیرے لیے رکھا تھا وہ بھی تجھے واپس مار دیا تیرے منہ میں دے ضرور دے ضرور اور اگر کسی اور کے آگے جھکا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سے کہنے ہوا ہے یہاں تک کہ اگر بلا سوچے سمجھے اپنے دل کی بات مانتا ہے اللہ رب العزت فرماتا آخر آئی تھا من اتخذ الہ ہوا ہوا آپ نے اس پر دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہاں بلا سوچے سمجھے عبادت اللہ کی ہے ہاں بلا سوچے سمجھے تو کیا مطلب ہے کہ کچھ جانے نہیں فارق اللہ لا الہ الا اللہ عبادت کا طریقہ عبادت کے مقاصد عبادت کے الفاظ ہاں یہ سب کچھ جانتے کے بعد آپ پانچ وقت کی نماز کیوں ہیں اللہ نے فرض کی ہے اس لیے زکات میں 2.5% کیوں ہیں اللہ نے مقرر کی ہے اس لیے ہے یہ روزے فطر 30 کیوں ہیں زیادہ کیوں نہیں کم کیوں نہیں ہاں یہ باتیں ہم بلا سوچے سمجھے ہاں اگر ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں ہاں وہ اللہ کا انعام ہے لیکن ہم جو ہمیں سمجھ آیا اپنی عقل سے یا ڈاکٹروں کے بتانے سے ہم اس کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے ہم اپنے ایمان کی وجہ سے عبادت پھر کہا بیٹا تغسل الانسان بوالدہ حملت امہ وبارن علی الغام والدین کے ساتھ اب اللہ فرما رہا ہے ڈائریکٹ اللہ نے خطاب کیا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے تیری ماں نے تجھے بڑے مشقت سے جنا ہے پیدا کیا ہے پھر وفی سال وفی آنا ہے 2 سال تک انہیں اس کا خون پیا ہے باہر آنے کے بعد اندر جب موجود تھا تب تو تیری غذا اس کی غذا تھا اس کا خون اور اس کا پینا اس کا کھانا سب تیرے حوالے تھا حتیٰ کہ رب نے تیری حفاظت کے لیے تیری ماں کو آگے روزے نہیں رکھے کہ اس کو غذا کی کمی نہ ہو جائے تیرے آنے سے پہلے برکت کر رب نے بڑی آدم جو عزت دی تھی تجھے آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس عزت کا خیال اتنا رکھا کہ تیری ماں کو آگے روزے نہیں رکھے پھر تو دنیا میں آ گیا وہ اس کے ساتھ ہو گیا پھر دودھ چھڑاتے چھڑاتے کتنے لگ گئے
दो साल हो गए, जैसे कमर सा लगा। उसने भी कहा कि अगर इसको गजाई किल्लत का सामना करना पड़े फिर भी रोजे में अपनी इबादत करो का तेरी सेहत को मद्देनजर रखा, लेकिन इसका इंतजाम किसने किया है? तेरी माँ है। फिर गारिश को बजवा देते मेरी शुक्र गुजारी कर अपने वालदैन की कर। बेटा बच्चे बात सिखा रहा है कि अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह ने डायरेक्ट मुखातब किया हर इंसान को, अरिश्कुल्ली बनवाई दे या सीधा लुकमान बोलते ना शायद कुछ होता, यहाँ सीधा लुकमान का तस्करा करने के बावजूद आपने डायरेक्ट कहा बकलार को अल्लाह ताबू इलाहिया हो तो बीमार नहीं हो सकता। आप कुरान की तरतीब देखें, अल्लाह के बाद फिर जिसका जिक्र आया है हुकूम के हवाले से वालदैन का आ गया। रिश्तुल्ली वालदैन अपने वालदैन का शुक्र गुजार रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र गुजार, सबसे पहले अल्लाह है, अल्लाह के बाद अपने वालदैन का शुक्र गुजार रहे हैं। हाँ शुक्र का तरीका क्या होता है? अब वो भी कुरान में होता है कि जब वो बोले ना बोला तकुल्ला बोला तना उनको झड़े नहीं, उनको डांट नहीं। डांटने की कई कुछ बात हो सकती है, जरूरी नहीं है बेअदबी कर रहा हूं। हर झल्ला का कभी कभी डांट देते हैं। एक बात वाला बाल ये बुढ़े लोग 80-80 दफा पूछ लेते हैं, पूछा भूल गए, फिर पूछा फिर भूल गए, फिर पूछा फिर जहन से निकल गए। आपको चीज ला के दी है, रखी हुई है पास, पास रखी हुई है, उसको नजर नहीं आती, फिर पूछते हैं मैंने आपसे फलां चीज मंगवाई थी ला के दे दी, और बकायदा डांटते हैं कि मैंने मंगवाई थी ला के दे दी। आप प्यार से वापस रखो पेश कर, कहा कि वो जगह नहीं है जहां तू आवाजें बुलंद कर, जहां आपने जवानी दिखाए, जहां पर अपनी अकल जितना है, नहीं अदब करूंगा। अगर आपको एक इलम भी है, देखिए सारी रसूल है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी दस के मुताले पूछते हैं कि जिसकी शाखों की जैसी है खिजा जो जिसके पत्ते नहीं झड़ते, मौसम सरमा के अंदर सर्दियों के अंदर बहुत सारे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, और कुछ दरख्त ऐसे हैं गर्मियों में पीले पत्ते पड़ते हैं गिर जाते हैं, कहा ऐसा है कि उसका पत्ता कभी झड़ता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। कहते हैं मुझे जहन में आ जाता है दूर है मेरे में बोला नहीं, क्यों नहीं बोला? मेरे बाबा वहां मौजूद थे कि इस मौके पर मैं अपने वालिद से ज्यादा तारीफ की राय में जाऊं मेरा जमीर गवार नहीं करता। वालिद बुजुर्ग बात कहते हैं, हाँ अगर आप ध्यान कर देते, ये है बाप और बेटे का ताल्लुक, आप ध्यान कर देते बेटा मुझे खुशी होती कि मेरा बेटा सबसे आगे निकल गया, आप निकल जाते मैं अपने आप को कम ना समझता बल्कि मेरा सेल्फ फोकस से बुलंद हो जाता। हाँ कायनात में दो लोग ऐसे हैं, एक उस्ताद है जो कहता है मेरा शागिर्द जो मैं काम दीन के नहीं कर सका अल्लाह ऐ अल्लाह इसको हौसला ही दे रखा है, अल्लाह वो काम इससे ले। और दूसरा वालिद है, कायनात का वालिद ऐसी शख्सियत है तो वो कहता है जहां मेरी तरक्कियां खत्म हुई है अल्लाह मेरी औलाद की तरक्की ऐसे आगे से शुरू कर दे, और जब औलाद को तरक्की मिल जाए वो ऐसे इंसान बन जाए कल्ला इन्ना इंसान लयतवा अल्लाह हुस्न के इंसान को जब अल्लाह इतना अता कर देता है जो किसी और का मोहताज न रहे फिर वो बगावत पर उतरता है। कभी अल्लाह के साथ बगावत, कभी रसूल के साथ बगावत, कभी अल्लाह और रसूल के बनाए हुए दीन के साथ बगावत, और कभी अपने वालिदैन के साथ बगावत कर रहे हैं। इस वक्त अपने आप को फिर झुका दे, फिर कहा इलैहि मसीर, जिंदगी दी है तुझे, बार भी दिया है, हर चीज तुझे दी है, लौट के मेरे पास आना है, फिर जब लौट कर आएगा यौम यतज़क्कर इंसान मा सआ, जो कुछ करके आया खुद तुझे याद आएगा, खुद याद आएगा। फिर जब याद आएगा ना ऐसा मन करा कि तू वालिदैन को ढूंढे, वालिदैन तुझे ढूंढे, ऐसा ना मन
يوم يفر المرء من اخيه امه وابيه وصاحبته وبنيه. उस वक्त लोग अपने माँ बाप से छुप के फिर रहे हो और माँ बाप अपने बच्चों से छुप के फिर रहे हो, क्यों, किस लिए? इमाम कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसलिए कि ये छुपने वाले जो वालिदैन हैं इन्होंने अपने बच्चों के हुकूक अदा नहीं किए. ये छुपने वाले वालिदैन हैं ना, इन्होंने अपने बच्चों के हुकूक अदा नहीं किए और ये छुपने वाले बच्चे हैं इन्होंने अपने वालिदैन के हुकूक अदा नहीं किए. भाइयों ने भाइयों के हुकूक अदा नहीं किए, शौहर ने बीवी के हुकूक अदा नहीं किए, बीवी ने शौहर का हुकूक अदा नहीं किए, इसलिए छुपते फिर रहे. वरना तो सिर्फ दोस्त है, दोस्त सिर्फ जान है. अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह हमें वो नजर दिला है कौन यूसलो नबाना, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, नमाज जमात के साथ अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, आज वो नजर नहीं आ रहे. अल्लाह कहते देखो वहां तो नहीं है, वहां है तो निकाल के ले रहे, कहा तो कुछ ऐसे है जो ढूंढते फिर रहे हैं कि कहां है उनको ले गए, हमारे साथ को जंगल के अल्लाह के नियामत इस्तेमाल करें. और कुछ ऐसे जो छुपते फिर रहे हैं और कुछ ऐसे भी है कि जिनकी दोस्ती में इंसान को फकर है, कुछ ऐसे भी है कहते हैं काश मैंने फलां फलां को दोस्त ना बनाया होता, उसकी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया. आगे चलते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि देखो वालिदैन की फरमा बरदारी करनी है, उनकी शुक्र गुजारी करनी है, लेकिन जब नाम की बात आ जाए फिर वालिदैन के बन जा अल्लाह ताला तुशनी कभी माले से रह कभी है, माले से रह कभी है, फला तो क्या होगा. अगर वो दोनों मिलकर ये कोशिश करते हैं तो अल्लाह के साथ शेयर कर उनकी इताअत ना कर. अल्लाह कह रहा फिर इनकी बात ना मान, लादाबे मखलूक फिर मासूम के खालिक, जब खालिक की नाफरमानी होने लगे फिर मखलूक में से किसी की भी बात ना मानते. अगर मानी जाती तो इन वालिदैन की मानी जाती, जब इनके लिए तो फिर किसी को नहीं. हाँ वालिदैन कहते हैं कुछ नहीं होता, हमारे साथ चला जाता, चढ़ाव थोड़ा सा चढ़ाव चढ़ाव चढ़ाए कि हाँ तू उसे पकड़ ले, उसे पकड़ ले, नहीं हाँ हम लेकर आए हैं तू सिर्फ थोड़ी देर के लिए पहन ले, फला तो क्या होगा. मैं जा हदा कारा दुश्मनी कर ली हमारे इस नेता की है, फला तो क्या होगा. लेकिन साथ ही कह दिया वसाहिहुमा फिर दुनिया मारूफा, वसाहिहुमा फिर दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया के मामलात में ये दोनों कौन है. अभी अभी जो शिरक के मुबल्लिग थे और मुशरिक से बुरा कोई नहीं है, मुशरिक बड़ा जालिम कोई नहीं है, लेकिन कहा अभी अभी ये शिरक के मुबल्लिग थे, तुझे शिरक के जरिए जहन्नम में डालना चाहते थे, उनकी दीन के मुतालिक उनकी पैर लगा था, दीन के मुतालिक रब की बात मान, रब के रसूल की बात मान, हाँ वसाहिब हुआ कि दुनिया मारूफ हुआ, हाँ जो दुनिया के मामलात है वो मारूफ तरीके के साथ, मारूफ किसे कहते हैं, और जो इलाकाई माहौल है और जो दीन का उर्फ है, दीन की आम तालीमात है वालिदैन के मुताबिक, दीन की आम तालीमात जो है वालिदैन के मुताबिक, उधर वालिदैन के साथ वही रवैया रहता है. ये नहीं तो दूसरे क्या है बेनमाजी है तो अब खिदमत खत्म, नहीं मारूफ का दीन ने जो जो खिदमत वालिदैन की मुकर्रर की है वो उनकी भी करता है, किसकी जो मुशरिक है. आगे वालिदैन नेक है, नमाजी है, दीन को समझने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद को समझने वाले हैं, फिर तो ये एक खुश नसीबी है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल की तौहीद दे दी है. फिर आगे कहा वत्तबि सबील मन अनाब इलैह, उसके रास्ते की पैरवी कर जो मेरी तरफ हमेशा रुजू करते रहते हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहा कि रहीम हो, अव्वाह हो, मुनीब बुरदबारी है और अल्लाह से बहुत ज्यादा डरने वाले गिड़गिड़ाने वाले भी हैं और अल्लाह की तरफ बहुत ज्यादा रुजू करने वाले हैं. हाँ जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं पहले उनकी तरफ साथ उनके तरफ, हाँ अगर सुम्मा इलैहि रजऊ फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आए. सारे वालिदैन जितने वाले वालिद बुरा है, सारे बच्चे
जे पदर वालदर बाकी है अल्लाह कह रहा है तुम सब मेरे पास आ जाओ फौदा में को विवाह करो तुम ताला लो जो तुम कहते थे ना अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैं बताएगा अयो मनाते वाला फाइल बतुदर नहीं बना इदी मतशद अजलो विवाह का व्यक्ति हो पहले जुबान पर ना जूम कर दिया जुबान बंद है हाथों ने जो किया ये हाथ बताएंगे पाँव ने जो किया ये पाँव बताएंगे दिमाग कामयाब से बोल इन्ना समा वन बसर वन फुआर कुल्लु लाइक का नाम रसूल अल्लाह इन कानों से पूछेगा अल्लाह इन आंखों से पूछेगा अल्लाह इस दिल से भी पूछेगा हाँ ये जो जवाब दिया था किस नजरिए से था हाँ फला चीज सुनी थी नहीं सुनी थी देखा तो नहीं देखा था हम अपने मौजू के तनाजु में कहते हैं कि हाँ वालदैन की कराहत को कराहने को सुना था नहीं सुना था कि वो बीमारी में करा रहे थे तुम सो रहे थे हाँ तेरी आंखों ने उनकी लाचारी और बीमारी को देखा था नहीं देखा था अगर देखा था फिर किया तूने हाँ उस वक्त तेरे दिल में क्या दाढ़िया पैदा हुआ फिर जो सोच आई उसको तूने निकाल दिया हाँ अगर तुझे पता नहीं तो मैं ना पूछे गए पता लग गया और तेरे बस में था तूने कुछ नहीं किया रेला जरूर पूछे फौजा भी तू विवाह करो तुम तार फिर ने फरमाया क्या लोगों लुकमान अलैहिस्सलाम आगे अपने बच्चे को पास सिखाया या बनेगा इतना हाथों का तुम स्थान है हाथों स्थान है बेटा एक दाना होगा दाना भी राई का दाना है पर है कहाँ पर फतरपुर की सकरते और फिर समावाद और फिर अर्थ सख चटान के अंदर है कितना है क्या राई का दाना है सरसों का दाना है दाने का सरे इतना सा दाना है सख्त चट्टान के अंदर है जमीन के अंदर छुपा हुआ है आसमान में है कहीं भी है अल्लाह उसको लेकर आएगा अल्लाह उसको लेकर आएगा हाँ छोटी तेरी छोटी नेकी है बड़ी नेकी है अल्लाह उसे पेश कर देगा और अगर छोटा गुनाह है बड़ा गुनाह है अल्लाह उसे उसको भी लेकर हाँ अगर नेकी है फरमाया कभी किसी नेकी को छोटा मत समझो हाँ उस नेकी को कर लो और किसी गुनाह को भी मामूली मत समझो वरना क्यामत के दिन ये ना कहना पड़े मारी हालत किताब लाई बात में सलील में बोला कभी और अल्लाह साहब हर छोटी बड़ी बात लिख दी गई है हर छोटी बड़ी बात ये तो मामूली मामूली गुनाह थे ये भी लिखे हुए हैं और जिनको हैसियत नहीं थी वो भी लिखे हुए हैं और कभी कभार जिस नेकी को हम हैसियत नहीं दे रहे होते उसी के जरिए निजात हो जाती है और जिस गुनाह को छोटा समझते हैं उसी की वजह से जान का बाजी हो जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी जन्नती वाले काम करता रहता है जहां तक कि जन्नत और उसके दरमियान एक बारिश का फासला रह जाता है एक बारिश लेकिन यकूल कलमत लम्बे वाले बेवा एक ऐसा जुमला कहता है जिस जुमले को वो कोई हैसियत नहीं देता उस जुमले की वजह से जन्नत की वजह जन्नती वाले अमल करता रहा एक कलमा का कोई हैसियत नहीं थी और उसी की वजह से जहन्नम में चला गया एक आदमी है पूरी जिंदगी जहन्नम वाले अमल की है जहन्नम इसके दरमियान इतना सा फासला रह गया है या एक जिरा के मुताबिक फैसला रह गया है एक जुमला कहता है लफ्ज वाले में कोई हैसियत नहीं थी उसके नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं थी लेकिन वही जुमला उसको जन्नत में ले जाता है ऐसा नहीं कि उसने दुनिया में हैसियत नहीं थी क्या मत कहते हैं एक शख्स आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके गुनाहों के निनाम कर जिस बड़े बड़े जहां तक निगाह जाती है भरे हुए गुनाहों से अब वो समझता है जहन्नम पक्की हो गई है अल्लाह का तेरे इंसाफ का दिन है एक पर्ची निकालेगा बंदा सोचता है इस पर्ची ने क्या करना है एक तरफ इतने बड़े बड़े रजिस्टर है और इधर एक पर्ची क्या करेगा लेकिन उस पर्ची में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है
और वो बच्ची भारी हो गई है और वो बड़े बड़े रजिस्टर हल्के हो गए। हाँ बेटा, छोटी से छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज है, अल्लाह क्या पेश कर जो मैंने तुम्हारे मारा ज्ञान नाम कर मारा, जमीन पर हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है, ये उसने सब कुछ बयान कर देंगे, सब कुछ बयान कर देंगे, उसे कुछ छुपाई नहीं देंगे। हाँ बेटा, छोटी से छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज है, उसको अहमियत दे। इन लोगों की खरीद याद नहीं आता आपकी मसला था। बेटा नमाज पढ़ा था, नमाज पढ़ा कर नहीं कहा है बेटा सल्ले सलाम नहीं कहा, याद नहीं आ सल्ले सलाम नहीं याद नहीं आ आपकी मसला। नमाज की पाबंदी किया कर, वक्त बिल मारूफ जो नेकी की आम चीजें हैं उनका हुक्म दिया कर, वरना रोककर बुराई से रोका कर, बस फिर आलामा सामन नेकी का हुक्म देने की वजह से, बुराई से रोकने की वजह से, नमाजें पढ़ने की वजह से तो तकलीफ आए तो उस पर सबर कर लेना। दाल को बिलास में उमूर, ये ऐसे काम हो गए लेडो हाथ में उमूर, ये पुख्ता बातों में से इनमें से कोई बात लूज नहीं है, हल्की नहीं है, छोड़ने की नहीं है, सारी बातें पुख्ती के साथ इख्तियार करने की है। बड़ा गुस्सा है सरदा चलता माशरे में जीने का तरीका बच्चों को सिखला है। हम हमेशा अपना फख्र सिखलाते हैं, हम ऐसे हमारा कबीला ऐसा, हमारा खानदान ऐसा, का बेटा बड़ा गुस्सा है सरदा चलता क्यों इतना मजबूत इसवा कायनात में जितने मोमिन हैं हम सारे भाई, जिस तरह बहन भाइयों में कोई नस्ल लिहाज से कोई फख्र होता है कि बड़ा भाई का है, तो नस्ल लिहाज से घटिया लोग हो, मैं आला आदमी हूं। भाई बहन को कहे तुम बहने होने की वजह से हमारे नस्ल में घटिया लोग हो, हम आला लोग कहते नहीं आता है जब वो तुम गरीब हुआ तुम भाई ना ज्यादा प्रदर्शन करता है निराश लोगों के सामने अपने गाल रख फैलाया जाए बड़ा कम शुद्ध बड़ा शरीर में अगड़ अगड़ करना चाहिए और अगड़ अगड़ चलेगा किसी तो क्या कर देगा इल्ला गलत तहसीन करता तेरे अगड़ के चलने से जमीन तेरी हैबत से फट जाएगी बड़ा तन का झुका पूरा और गर्दन ऊंची करेगा कितना ऊंचा हो जाएगा पहाड़ तुमसे ऊंचे मौजूद है गर्दन मत रखना गर्दन मत रखना अपने गाल मत खोला आज सीधे अपने लोगों से बात किया अच्छे अंदाज से लोग बात किया था अंतर का आकार और वजह करे जब भी किसी भाई से मिलना मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे कहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुतार फकूर अल्लाह फखर करने वालों को फसल देकर सत्तर का वक्त की मशीन का जब चंद तो फिर अपनी चार धार भी अच्छी रख मशीन दरमियान रख हाँ चलने में भी ऐसा तेरा अंदाज ना हो कि इतना अकड़ जाए थोड़ी सी चीज से फिस कर गिर जाए हड्डी वड्डी टूट जाए हाँ कुछ लोग इतने भी अकड़ जाता कि नीचे कुछ नजर नहीं आता कवक से फिर मशीन का हाँ कुछ लोग भागते हुए चलते हैं वे ध्यान ही रहते बस उनको तेजी की पड़ी होती है और कुछ लोग इतनी लाखर्जी के साथ सुस्ती के साथ चलते हैं कि साथ चलने वाला कहाँ ये कहाँ लोगों पर अपनी आवाज के जरिए चीखने चिल्लाने के जरिए शोर गोगा के जरिए अपना रोग बयान करना अच्छी बात होती है हालांकि जितनी भी आवाजें हैं इनमें से बुरी आवाज गधे की आवाज है हाँ कैसा लिबास पहनना है कैसा नहीं पहनना अल्लाह ने बार बार कहा या बड़ी आदर या बड़ी आदर ऐ बड़ी आदर अपने लिबास का ख्याल रखो शैतान इस बात के दर पे है जिस तरह तुम्हारे बारे जान का लिबास उतरवाया है तुम्हारा भी उतरवाया है लेकिन लिबास में ख्याल रखो सलवार की तुम मनीष जो बरहानी को ढांक दे
और तुम्हारी खूबसूरती का जरिया भी बने। आप कहते हैं कि ठीक है अभी छोटी है बच्ची है, क्या हो गया यार बच्ची है, हाँ आज बच्ची है कल बड़ी होगी, आज जो तुमने पसंद किया है फिर कल बड़ी होकर वालदैन के पसंद तो पसंद करे, जो फिर वालदैन ने उसके लिए कपड़े पसंद किए हैं जिसमें बाजू नहीं है, वालदैन ने उसके लिए कपड़े पसंद किए हैं जो घुटनों से ऊपर है, आज बच्ची है कल बड़े होकर वो कहती है मेरे अम्मा बाबा को यही पसंद है। और इसे हाल में अल्लाह हर एक के बच्चों को यतीमी की जिंदगी से बचा और हर अल्लाह हर बच्चे को वालदैन से साया नसीब करवाए। कल तेरा साया उठ गया वो अभी छोटा है, जो आज लिबास पहनाया है उसने ये देखा है मेरे बाबा मेरे लिए ये लाए थे, मेरी माता मेरी अम्मा मेरे लिए ये लाए थे, आज तेरा साया उठ गया तेरे खरीदे हुए कपड़े देखती है, तेरी बेटी तेरा बेटा फिर किसी को इख्तियार करती है तो फिर अल्लाह तो से नहीं पूछेगा, हाँ ये अल्लाह की अमानत नहीं है, फिर उस वक्त अल्लाह के सामने क्या जवाब होगा, उस वक्त अल्लाह के सामने क्या जवाब होगा, हाँ इन बच्चों का ख्याल रखने को नहीं कहा, इन पर नजर रखने को नहीं कहा, इनके अच्छे बुरे का अल्लाह करके अस्सलाम वस्सलाम अपने घर में आखिरी बात करता हूँ बात को समेट देता हूँ, अल्लाह ने भी अपने घर में है छोटा सा बच्चा है नवासा है घर के बिस्तर पर एक खजूर पड़ी हुई है उठाकर मुंह में डाली हुई है, कहा बेटा कस कस उलट दे इसको उगल दे इसको बाहर निकाल दे, क्योंकि आले मोहम्मद सरकार ने कहा हराम नहीं है हराम का शुबा है, क्योंकि मेरे घर में सदमे का माल भी आता है मेरा माल भी आता है, ये किस में से पता नहीं है शुबा इसमें अगर बच्चे को छोटा बेटा है शिवा पहना देते हैं, अगर कोई 14 साल का होकर यही पहन कर नमाज पढ़ने आपके साथ आ जाए आप उसको कहेंगे आपके नमाज हो जाए, नहीं तो उसकी तबीयत में एक खामी नहीं रहने दीजिए, हालांकि छोटा बच्चा था बड़े होकर सिखा देते क्या खास नहीं कहते, हाँ बचपन में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने कई बच्चों को अपने पीछे बिठाया उनमें से सिद्दीक अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी है, कहा बेटा ये फजर हुआ या खस का बेटा तू आलम कभी कलमा दे, बेटा मैं तुझे चंद कलमा सिखाने वाला हूँ इन कलमात की हिफाजत करना अल्लाह इसके जरिए तुझे फायदा पहुंचाएगा, वहां पर भी सिखलाया अकीदा भी सिखलाया, हाँ अपनी माशरत सिखाना जरूरी है लेकिन उससे पहले दीन के तरीके सिखलाया दीन का रिवाज सिखलाया अपने रसूख से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रसूख के अंदर तरीके को अपने तरीके सिखाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए होते थे, हाँ अगर मैंने अपने बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाले तरीके सिखलाए तो वो यही है कि बेटा वालिदैन के आगे बोलते रहिए, बेटा छोटी बड़ी बुराई है हर बुराई को छोड़ दे, बेटा हर छोटी बड़ी नेकी को इख्तियार कर ले, हाँ अगर मेरा बेटा ऐसा हो जाए मेरा बेटा ऐसा हो जाए मुझे खुशी होगी या गम होगा, मेरी बेटी ऐसी हो जाए कि जिसकी पूरा खानदान तारीफ करे, कि लिबास के लिहाज से अखलाक के लिहाज से किरदार के लिहाज से इबादात के लिहाज से और मेरी खिदमत मेरे साथ बोलचाल के लिहाज से उसने बैठने के लिहाज से और खानदान के हुकूक के लिहाज से तो मुझे खुशी होगी या नहीं होगी, आज मैं उसको कुरान सिखलाता हूँ सैयद यूसुफ का वाक्य पढ़ा था आपने भाइयों ने क्या कुछ नहीं किया, आखिर में क्या कहा ला तस्लीम अलैकुम बोल जाऊं जो तुमने किया मैं उसको डिस्कस ही नहीं करता उस पर तुमसे बात ही नहीं करता, या तो फिर अल्लाह हुआ अल्लाह तुम्हें बख्श दे मैंने बख्श है अल्लाह भी तुम्हें बख्श दे, जब कहा मा फाल तुम यूसुफ तुमने यूसुफ के साथ क्या किया उसके भाई के साथ क्या किया, साथ में कहा इधर तुम जा रहे हो तुम्हारा कसूर नहीं है उस पर तो तुम्हें इल्म नहीं था, ला इल्मी में देखे भाई को शर्मिंदा भी नहीं कर रहे नसीहत भी कर रहे, बताओ अगर हम जैसा होता तो भाई ने क्या कुछ नहीं किया था क्या कुछ नहीं किया था, आज मैं चाहता हूँ
मेरे भाई मेरे बेटे दिल झुके रहे, तो फिर उनको ये सिखलाया, पहले दिल करे बात सिखला, फखर करे बात सिखला। हाँ, उसके लिए बाप भी ऐसा करना पड़ेगा कि आखिरी हद तक अपने बच्चों के साथ खाया खाई करे। बताए हमारे बेटे हमारी बेटियां नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से ज्यादा बुरे हो गए। आखिरी वक्त में फिर लड़ू कह रहे या बुरे इनका पाना, बेटा हमारे साथ आ जा, बेटा हमारे साथ आ जा, तब भी बच्चा वो बगावत कर रहा, फिर भी बेटा बच्चा। और इसी तरह फिर जाकू के पांच दफा कहा या बड़ी या बड़े या बड़ी ऐ मेरे बच्चों लाते या सुन ला ऐ मेरे बच्चों बतासा सुन लो सुबह होती। हाँ, बार बार जब देखे कितनी बड़ी खताएं की थी, बजाय पहले एक बेटा गुम करके आ गया, दूसरे बेटे को गिरफ्तार करा के आ गया, तीसरे बेटे को वहीं छोड़ कर आ गया, वो नहीं आ रहा तो उसको लेकर आ रहा, तीन तीन बेटे उनमें गुम करती है, फिर भी या बड़ी गया। और इसका तुष्ट विदार के साथ नहीं की जाती, आपके बच्चों के साथ रवैया अखलाक और बोलने का जो अंदाज है ऐसा रखे जो ऐसा तो तकलीफ वाला हो, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। देखिए पैगंबर यही कहा, और दीनी मामलात में दुनियावी मामलात में लोगों से भी मशवरा करें, अपने दोस्तों से बड़ों से बुजुर्गों से भी करें, लेकिन अपने बच्चों से भी करें। जब सिदरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिदरा इस्माइल के जमा करने का हुक्म मिला, सबसे पहले मशवरा किससे किया, किससे किया, उसी बेटे से किया या नहीं किया। इल्ली अराफ मदामिन अन्नी अर्बहुका फ़र्ज़ माज़ा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है ना तुझे जमा करवाओ, बता तेरा क्या ख्याल है, मशवरा किया ना, बहुत बड़ा मामला था, बच्चे की जान साजी की है। हाँ बच्चा, आप बच्चा कहता है बाबा जान वो करिए जो आपको हुक्म मिला है, आप मुझे सागर पाए थे। फिर जब अल्लाह का घर बनाने की बारी आई, बेटा बड़ा हो गया, घर बनाया वैसर फाइल्लाह कवाइल वैसमाइल, बेटे को इस नेकी में भी साथ रखा, फिर दुआ की, बच्चों के लिए दुआएं हमेशा की जाती हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में मानता है तीन लोग ऐसे जिनकी दुआ कभी रद्द होती नहीं है, मुसाफिर है और अल्लाह के नाम निकला मुझा है, अजहर गैर है, या फिर दुआ वालिदी फी बलदी, जब एक वालिद अपने बच्चों के लिए दुआ करता है तब अल्लाह इस दुआ को रद्द नहीं करता। दुआ वालिदी फी बलदी अल्लाह ने गारंटी दी है, जिन लोग अल्लाह ने बाप बनाया है उनके भी जिम्मेदारी। देखे सैयदना इब्राहिम ने बड़ा बड़ी नेकी की, उसके बाद ये दुआ किया रब्बी जानली मुझे मसरत, ऐ अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, ऐला वजूली है नेला की औलाद को नमाज, ऐला ऐला वजूली मगनी अंदर हमने रसना, ऐला पहले दुआ किया अल्लाह मुझे नमाज ही बना, अल्लाह मेरे बच्चों को नमाज ही बना, फिर दुआ किया अल्लाह हमेशा मुझे बुत परस्ती से बचा, वबनी या ऐला मेरे बच्चों को भी बचा। हाँ, बच्चों का नाम नहीं है, जिस बच्चे को तुम कभी देखी है कोई कुताही देखी है, हाँ कोई गलती देखी है, रब के सामने हाथ जोड़ दो, रब के सामने हाथ उठा दो। हाँ सलाहियतों में कमी है, एक बेटा आगे है एक बेटी आगे है उसी पीछे है, भाई आगे है बहन पीछे रह रही है, हाथ उठा ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को ये सलाहियतें पैदा कर दे, फिर रब वो सलाहियतें पैदा कर देता है। हाँ हाथ उठा लिए बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों के दिलों की इस्लाह के लिए, बच्चों के किरदार की इस्लाह के लिए हाथ उठाइए, रब से दुआ कीजिए। हाँ ये हमारे बच्चों का हुक्म है। आज मुझे मुख्तसर हुक्म हुआ था, मैंने इसी में रहने की कोशिश की है, अल्लाह ताला सबको एक अच्छा मुसलमान बनाए, एक अच्छा मुवाहिद मुस्लिम बनाए, एक अच्छा मुत्तबे सुन्नत बनाए, एक अच्छा वालिद बनाए, एक अच्छा बेटा बनाए, एक अच्छी माँ बनाए, एक अच्छी बेटी बनाया जाता है। हाँ जहाँ हमारा किरदार हो अल्लाह का अच्छा भाई बनाया, हाँ जिस तरह कुरान में कहा है हमें उस तरह बना दे, जिस अल्लाह के लिए कहा कुल इबादुल्लाह इखवाना, अल्लाह के बंदे सारे भाई बन जाओ, भाई किस तरह बनो अपनी मर्जी से नहीं, कमा अमर करूंगा उस तरह भाई बनो जिस तरह भाई भाई बनने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। वाह।
الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم.